हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग तरह के सवाल हैं, अलग अलग तरह के उनमें इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और उसमें हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है, या कुछ एक सवाल है जिसमें कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, जैसे पहला सवाल है इसमें नेट सेल्स दिया हुआ है 285,000, 2,85,000, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन सेल्स कितना, 25%। तो परसेंट में दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट कितना, तो सेल्स का 25%। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर क्या होता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स तो दिया हुआ ही है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना, 25% ऑन सेल्स, तो 285,000 का 25%, ये कितना आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना, मैंने पहले से कर रखा है 71,250, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर नेट सेल्स, नेट सेल्स कितना 285,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 71,250, इसे घटा दिया तो हमारा निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,13,750। तो ये पहला सवाल का हो गया। अब दूसरा सवाल, इसमें भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, ठीक है, पर इंफॉर्मेशन अलग दिया हुआ है। यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए फॉर्मूला जो अप्लाई किया, क्या किया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, पर वो फॉर्मूला से यहां काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर एक ही चीज को फाइंड आउट करने के अलग अलग फार्मूलाज हैं तो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन क्या, उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा अलग लगेगा, क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस मतलब नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000, ये लिख दिया यहां, प्लस परचेजेस, तो परचेजेस 54,600, 54,600। अगर परचेज रिटर्न रहता तो परचेज में परचेज रिटर्न घटाया जाता है ना, पर वो है नहीं। यहां परचेज का मतलब नेट परचेज होता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे नेट पर जो परचेज है वही नेट परचेज है, क्योंकि परचेज रिटर्न है नहीं जिससे कि घटाना पड़े। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स को खरीद कर मंगवाने का खर्चा, ये कितना है 6,000। और दूसरा एक है एक्सपेंसेज ऑफ सेल्स, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं दिखाएंगे, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं दिखाना है। सिर्फ क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को केवल दिखाना। हाँ, यही वेजेस रहता, फ्रेट रहता, कैरेज रहता, मतलब क्या, जो माल को खरीद कर मंगवाने का खर्चा और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो केवल उसे यहां पे दिखाएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, इसे नहीं दिखाएंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 36,600। अब इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ देना है, 30,000, 54,600 और 6,000, इसे जोड़ेंगे और उसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे कितना, 54,000, ये निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं क्योंकि सेल्स दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS। तो नेट सेल्स हमारा 90,000 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकाला हमने 54,000 घटा देंगे तो हमारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट 36,000, ठीक है। तो ये बन गया दूसरा सवाल। अब ये सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नेट सेल्स 3,00,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट को हम 100 मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट बी ₹100, अगर कॉस्ट 100 है तो सेल्स निकल जाएगा, सेल्स बराबर कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमारा कितना 100 और प्रॉफिट हमारा कितना 25, तो हमारा सेल्स हो गया 125। तो अब यहां पे कर देते हैं व्हेन सेल्स 125, द प्रॉफिट कितना 25। तो इसी के बेस पे जब सेल्स हमारा 3 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 25 बाय 125। ठीक है, तो 25 से 125 को डिवाइड किया 5 बार में, 5 से इसे करेंगे तो 60,000 आएगा। तो हमारा निकल गया प्रॉफिट 60,000, प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारा कितना है 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला हमारा 60,000, तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकल गया। अब ये अगला सवाल देखते हैं, यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, तो इसमें और इसमें फर्क क्या, यहां पे नेट सेल्स दिया था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो दिया था कॉस्ट पे दिया था, और यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो दिया हुआ है सेल्स पे दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि इस स्थिति में 100 अज्यूम करते हैं, फर्क किसको, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जिसपे दिया उसको। तो यहां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया था तो कॉस्ट को 100 अज्यूम किया था, यहां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल्स पे दिया है तो सेल्स को 100 अज्यूम करेंगे। तो लेट द सेल्स बी ₹100, तो भाई कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स हमारा, हाँ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स हमने 100 माना और ग्रॉस प्रॉफिट कितना 20%, तो 20 तो ये हो गया 80, मतलब कॉस्ट हो गया 80। अब इसी तरह से इसके भी निकाल लेते हैं, व्हेन कॉस्ट रुपीज 80 द प्रॉफिट इज रुपीज 20, है ना, इज रुपीज 20, जब कॉस्ट हमारा 80 है तो प्रॉफिट कितना है 20 है। तो इसी तरह से व्हेन कॉस्ट रुपीज 2 लाख द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 20 बाय 80, ऐसे करें तो 20 से 4 बार में कट जाएगा 80 और फिर 4 से ये कटेगा 50 बार, 50,000 यानी प्रॉफिट हो गया 50,000। अब प्रॉफिट हो गया 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो हम सेल्स भी निकाल सकते हैं, सेल्स बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमारा कितना हो गया, कॉस्ट है ही दिया हुआ 2 लाख और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट निकाला हमने 50,000, तो हो गया सेल्स हमारा हो गया 2.5 लाख 2,50,000। तो ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स कैलकुलेट करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।